मैं बलदेव सिंह सरसा गुरद्वारा जुडिशियल कोर्ट के एक केस किया जो कि 2 करोड़ का स्कैंडल 2013 के 13 मरले जमीन खरीदन के उस 2013 के गया जिस टाइम के उत्ते प्रधान अवतार सिंह मक्कड़ सी और जमीन जड़ी सी वो 70 लाख की खरीद के इन्होंने तो तख्त श्री केसगढ़ साहब के नाँ के उत्ते 2 करोड़ 70 लाख की रजिस्ट्री इन्होंने दर्शाई जिदे 2 करोड़ रुपया जड़ा है वो ये हड़प कर गए बहुत सारे मिल गए और वो संबंध में जदों जमीन खरीदने वास्ते एक कमेटी बनाई गई सी वो कमेटी दे 4 मैंबर ने सुखदेव सिंह पाहौर जिहड़ा कि अज बड़ा ईमानदार बनया फिरदा एक ओ दूसरा केवल सिंह बादल नंबर 3 रजिंदर सिंह मेहता जिहड़ा कि संत भिंडरां वालियां दी सज्जी ते खब्बी बांह भर के जिहड़े उस टाइम दे उत्ते खलोते ही और चौथा हैगा निर्मल सिंह जौलकलां। इन्हां 4 मैंबरां दी एक कमेटी बनाई गई कि यह जिहड़ी जगह 2 करोड़ 70 लाख की खरीदनी आ कि यह जगह जिहड़ी आ 2 करोड़ 70 लाख की है और इस कमेटी ने रिपोर्ट दिती कि यह जगह जिहड़ी आ यह खरीदी जानी चाहीदी आ यह वाकई 2 करोड़ 70 लाख की आ। तो मेरे वालों ये केस किया गया सी कि इन्हां सारयां ने मिल के एक बहुत वड्डा स्कैंडल किया और गुरु की गोलक की लुट की आ। मैं उस टाइम उत्ते केस किया और सारे सबूत कट्ठे करके जिहड़ी कि इन्होंने ये जमीन खरीदी सी इहदे विच जदों सारे सबूत करके आए तो इहदे विच इन्हां ने फिर लंबा समा ये केस मेरा चलण दे बाद अज गुरद्वारा जुडिशियल कोर्ट ने यह फैसला मैं कहांगा कि एक इतिहासिक फैसला होया जिहड़ा कि गुरद्वारा जुडिशियल कोर्ट ने इस केस दे विच कीता। अजे कुछ हैगिया ने चीज़ा जड़िया कि होनिया चाहिए सी पर मैं नहीं मैं यही कहांगा कि लंबा समा लड़ाई लड़नते देर आए दुरुस्त आए लंबा समा मैनू ये इस कोर्ट के चक्कर कढ़ने पए और ये 4 बंदे जड़े ने इन्हां दे खिलाफ गुरद्वारा जुडिशियल कोर्ट ने श्रोमणी कमेटी नू लिखिया है कि इन्हां ने गलत रिपोर्ट दित्ती सी ते इन्हां दे खिलाफ की कार्रवाई करनी है श्रोमणी कमेटी ने करनी है और श्रोमणी कमेटी इन्हां दे खिलाफ कार्रवाई करके ते 1 महीने दे अंदर अंदर जड़ी रिपोर्ट दे और उस टाइम दे उत्ते जिहड़ा मैनेजर सी उस मैनेजर ते जिहड़ा सब तो वड्डा एक इन्हां ने रख्या सी जिस तरह के एक सुखविंदर सिंह गरेवाल सी उस टाइम दे उत्ते मैनेजर श्री आनंदपुर साहब जदों इह स्कैंडल होया एक हरजिंदर सिंह साबका जिहड़ा सी उत्थे मैनेजर आ अज कोल बीड़ बाबा बुढ़ा साहब उत्थे ओह मैनेजर है ये बंदा प्रशाद पकाउण वास्ते श्रोमणी कमेटी ने मुलाजम रख्या पर उन्होंने वेख्या कि इत्थे बड़ा कारगर बंदा उन्हां दा कमाऊ पुत बन गया उहदे राहीं ये जमीन का जिहड़ा स्कैंडल कीता इहदे 4 रिश्तेदार ने जिन्हां दे नाँ ते ये जमीन जिहड़ी आ पंजां दे नाँ ते खरीदी गई और सुखविंदर सिंह हरजिंदर सिंह करमजीत सिंह राम सिंह मेजर सिंह ते आ जड़े इहदे हरजिंदर सिंह दे जड़े रिश्तेदार ने दर्शन सिंह मनप्रीत सिंह बलविंदर कौर कुलदीप सिंह करमजीत सिंह रणजीत सिंह इन्हां सारयां कोलों 2 करोड़ रुपया जड़ा है वह वसूल करन 6% समेत व्याज वसूल करन दे अज कोर्ट ने जिहड़े आ उह ऑर्डर कीते आ। ये मैं समझदा हाँ कि साडा ये जड़ा लंबा समा ये संघर्ष किया बूर पिया है लेकिन होना यह चाहिए कि इन्हां सारयां दे खिलाफ असी हुण अगली जिहड़ी कार्रवाई आ उहदे वास्ते हुण जिहड़ा मैं अपने वकीलां दे नाल रह करके भी इस केस दे विच कोई त्रुटियां तां नहीं जो ये ऑर्डर होए ने जो फैसला होया उस तो बाद करांगा लेकिन यह गल मैं जरूर कहांगा कि यह फैसला अज जो अदालत ने किया कि 2 करोड़ रुपया जिहड़ा है वह 6% विद व्याज गुरु की गोलक दे विच जिहड़ा है वह जमा इन्हां तो करवाया जाए तो 4 बंदे जिहड़े उतले ने मैंबर जिहड़े ने जिहड़ियां महान शख्सियतां शख्सियतां पंथ दियां जिहड़ियां ने अपने आप नूं कहाउंदे ने उहनां दी जिहड़ी हुण उहनां दे खिलाफ श्रोमणी कमेटी की करदी आ पर इहनां दे खिलाफ गुरु की गोलक लुट्टण दे संबंध विच 420
ते होर जिन्हां भी धारा लगदियां ने गुरु की गोलकी की लुट करन दे संबंध विच इन्हां सारयां दे खिलाफ पुलिस परचा भी होना चाहिए। इहदे खिलाफ तुसीं कुछ करोगे जे ना होया पुलिस परचा? सरसे ने की करना है? सरसे ने इहो ही काम करने है। सरसा जदों भी तुसीं इह वेखो कि गुरद्वारा जुडिशियल कोर्ट ने जिहड़ा फैसला किया है ते एक कोर्ट केड़ी है, जे इस कोर्ट नूं सरसे ने अपने वकील सरदार मनजिंदर सिंह रंधावा दे राही सबूत दिते ने, लड़ाई लड़ी है। क्योंकि जदों मैं इहदे विच तुहानूं थोड़ा जिहा होर भी दसदा कि जिहड़ा आ 70 लाख की जिहड़ी कलम रह गई आ, पी 70 लाख की जिहड़ी कीमत इन्हां ने दसी आ, इहदे पिछे भी एक बड़ा वड्डा होर भी अजे स्कैंडल निकलना है जे उह पड़ताल होई गई सी उह कढाउणा है। इस जमीन का पहला सौदा होया 55 लाख विच। आ जिहड़े अपने आप नूं पंथक शख्सीयतां कहाउंदे ने संत जरनैल सिंह खालसा भिंडरां वालियां दीआं सज्जियां ते खब्बियां बाहां, इन्हां लोकां ने जिहड़ा सी उह पैसा इहदे विच उह जिहड़ा गरचरन इक गरेवाल वी आ फैडरेशनिया उह वी विच है। इन्हां ने जदों 55 लाख का सौदा होया, पहला सौदा 55 लाख च हुंदा है मालकां दे नाल, 55 लाख का सौदा किया, इन्हां कहा भी असीं तुहानूं चैक देवांगे 2 करोड़ 55 लाख का, तो तुसीं 55 लाख रख के तो 2 करोड़ सानू दे देना। मालकां ने यह गल कही भी ये गल सानू वारा नहीं खांदी, असीं तो 55 लाख का सौदा उन्हें दा ही चैक लेना। यह सौदा फिसल गया। फिर इन्हां दा जिहड़ा कमाऊ पुत जिहड़ा कि अज प्रशादे पकाउण तों बाद समय समय उन्हों तरक्कियां दे के अज बीड़ बाबा बुढ़ा साहब जिहड़ा कि उत्थे उह मैनेजर है हरजिंदर सिंह, फिर उहदे रिश्तेदारां दे नहीं जिहड़ी सी नां दे उत्ते जिहड़ी सी उह सौदा होया, उह 70 लाख का सौदा होया। और उह 70 लाख जिहड़ा है उह तां होया क्योंकि उन्हां नूं पता लग गया भी इह जिहड़ा केस है ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਕੈਂਡਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਰੇਟ ਵਧਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਕੈਂਡਲ ਹੋਇਆ। ਉਹ 55 ਲੱਖ ਦਾ ਸੌਦਾ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਕਿ 70 ਲੱਖ ਦਾ ਆਇਆ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸਕੈਂਡਲ ਇਹਨਾਂ ਕੀਤਾ। ਪਰ ਅੱਜ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਫੈਸਲਾ ਆਇਆ, ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਲੋਕ ਭਲਾਈ ਇਨਸਾਫ ਵੈਲਫੇਅਰ ਸੁਸਾਇਟੀ ਆ, ਸਾਡੀ ਸੰਸਥਾ ਨੂੰ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹੌਸਲਾ ਮਿਲਿਆ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਲੜਾਈ ਲੜ ਰਹੇ ਸਾਂ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਕਾਮਯਾਬੀ ਮਿਲੀ ਹੈ।